नमस्कार दोस्तों, पहले तो हैदराबाद के खिलाफ आया स्टार का तूफान और हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया और फिर उसके बाद आया कप्तान वेंकटेश के साथ श्रेयस अय्यर का तूफान और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में हैदराबाद के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। तो कौन सी टीम इस मुकाबले से जीतकर फाइनल में पहुंची बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी केकेआर की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का पहला क्वालिफायर मुकाबला केकेआर और हैदराबाद की टीम बीच खेला गया, जहां हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। लेकिन हैदराबाद की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, आते ही दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड स्टार्क के द्वारा बोल्ड हो जाते हैं और 0 रन के स्कोर पर हैदराबाद को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने त्रिपाठी आते हैं, लेकिन इनके बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी अभिषेक शर्मा भी 3 रन बनाकर आउट हो गए और 13 रन के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लगा। फिर त्रिपाठी का साथ निभाने नीतीश रेड्डी आते हैं और इन दोनों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी नीतीश रेड्डी भी काफी धीमा खेल रहे थे जिस वजह से वो 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर स्टार का शिकार हो गए और 39 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद आते ही शहबाज अहमद भी पहली गेंद पर बोल्ड हो गए और 39 रन के स्कोर पर स्टार्क ने हैदराबाद की टीम को चौथा बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद त्रिपाठी का साथ निभाने क्लासन आते और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ताबड़तोड़ शानदार पार्टनरशिप होती और दोनों बल्लेबाज पहले तो हैदराबाद को 50 रनों के पार पहुंचाते और फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करने लगे और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी क्लासन 21 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए और 101 रन के स्कोर पर क्लासन के रूप में हैदराबाद को पांचवा बड़ा झटका लगा। दूसरे छोर पर राहुल त्रिपाठी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उनका साथ निभाने अब्दुल समाद आते हैं। समाद आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं। दूसरे छोर पर राहुल त्रिपाठी भी अपना अर्धशतक पूरा कर बैठते, लेकिन तभी अब्दुल समाद की वजह से राहुल त्रिपाठी 55 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और 121 रन के स्कोर पर राहुल त्रिपाठी के रूप में हैदराबाद को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सनवीर भी आते ही पहली गेंद पर नारायण का शिकार हो जाते हैं और हैदराबाद की टीम को 121 रन के स्कोर पर सातवां झटका लगता है। फिर उसके बाद अब्दुल समाद भी 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आते हैं, वो भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 126 रन के स्कोर पर 9 विकेट हैदराबाद की टीम के गिर जाते हैं। फिर पैट कमिंस का साथ निभाने विशाख नाथ आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। पैट कमिंस शानदार बल्लेबाजी एक छोर पर कर रहे थे और 2 छक्के और 2 चौके लगा चुके थे और उन्होंने अंत तक अच्छी बल्लेबाजी करके 30 रन बनाए, लेकिन वो भी आखिरी ओवर में आउट हो गए और हैदराबाद की टीम 19.3 ओवर में 159 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और केकेआर की टीम की तरफ से स्टार्क ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से गुरबाज और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की और ये दोनों बल्लेबाज आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। एक छोर पर गुरबाज तो काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे छोर पर नारायण भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी गुरबाज 14 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए और 44 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम ने केकेआर का पहला बड़ा विकेट चटकाया। फिर नारायण का साथ निभाने वेंकटेश अय्यर आते हैं। वेंकटेश अय्यर आज अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर नारायण भी 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और केकेआर की टीम को नारायण के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है और 67 रन के स्कोर पर केकेआर की टीम के 2 विकेट गिर जाते हैं। फिर वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने कप्तान श्रेयस अय्यर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। आज अलग ही अंदाज में श्रेयस अय्यर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो केकेआर की टीम को 10 ओवर में लगभग 90 रनों तक पहुंचा डाला और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। फिर एक छोर पर वेंकटेश अय्यर ने शानदार अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर दूसरे छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर भी काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और उन्होंने एक ही ओवर में फिर शानदार बल्लेबाजी करके इस मुकाबले को 13.4 ओवर में ही खत्म कर दिया और उन्होंने 24 गेंदों पर 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए और इसी के साथ केकेआर ने हैदराबाद को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब हैदराबाद की टीम एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम के साथ क्वालिफायर 2 का मुकाबला खेलेगी। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।